एवरीवन, आई एम शिवानी सोलंकी एंड आई वेलकम यू ऑल टू द लॉ वाला चैनल, जहां पर आज हम प्रीवियस सेशन का कंटिन्यूइंग पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट सेगमेंट में हमने डील किया था सेक्शन नंबर 300 से 314 और आज डील करेंगे इसी चैप्टर का अगला पार्ट। दैट इज, ये पार्ट सिर्फ और सिर्फ हमारे लेक्चर के पर्सपेक्टिव से मैंने डिफरेंट पार्ट बनाया, अदरवाइज आपके सेगमेंट में स्पेसिफिकली चैप्टर नंबर 24 में कोई भी पार्ट नहीं है। मैंने आपको पहले भी बोला था कि बैरेट आपको हमेशा अपने पास रखना है, जिस तरीके से पढ़ाते हुए मैं आप अपना बैरेट अपने पास रखती हूँ। तो देखिए, लास्ट सेगमेंट में हमने चैप्टर नंबर 24 में सेक्शन नंबर 300 से लेके 327 का हाफ पार्ट डिस्कस किया था। हाफ पार्ट डिस्कस किया था जिसमें हमने सेक्शन 300 से लेके 314 तक डिस्कस किया। आज हम 315 से लेके 327 का सेगमेंट डिस्कस करने वाले हैं। अब हमें पता है स्टूडेंट्स कि चैप्टर नंबर 24 मेजरली कहाँ अप्लाई करता है। इट एक्सक्लूसिवली अप्लाइज टू इंक्वायरी एंड ट्रायल। जब इंक्वायरी एंड ट्रायल क्या है स्टूडेंट्स, चल रही है, पेंडिंग है, तब हमारा चैप्टर नंबर 24 अप्लाई करता है। उस दौरान कुछ प्रोसीजर्स है, कुछ प्रोविजंस है जो अप्लाई होते हैं और यहाँ पे काफी जगह हम कह सकते हैं कि कोर्ट को पावर्स दे रखी है। ओके, सो चैप्टर नंबर 24 का हमने फर्स्ट सेगमेंट दैट इज सेक्शन 300 से लेके 314 डील कर लिया है। आज इसमें से 315 से लेके 327 को डील करेंगे और इस पार्ट में ऐसे बहुत सारे सेक्शंस निकलेंगे स्टूडेंट्स जो कि हमारे इस पार्ट वन से कनेक्ट होंगे। सो वो कौन कौन से सेक्शंस हैं, मैं एक बार आपको उन सेक्शन से गो थ्रू करवा देना चाहूंगी। लास्ट सेगमेंट में आपको याद है कि हमने ये चार्ट बनाया था। इस चार्ट में हमने चार चीजें पढ़ी थी, राइट्स, प्रोसिक्यूशन, टेंडर ऑफ पार्डन, इंक्वायरी एंड ट्रायल प्रोसीडिंग। ये कुछ चार हमने कह सकते कीवर्ड्स निकाला और इनके साथ हमने काफी सारे सेक्शंस को कनेक्ट किया। याद रखना, जब हमने स्टूडेंट्स प्रोसिक्यूशन की बात की तो हमने 301 में बोला पीपी साहब के पास राइट है कि वो यहाँ पे प्रोसिक्यूशन स्टार्ट कर सकते हैं विदाउट एनी रिटन अथॉरिटी फ्रॉम द कोर्ट। एंड 302 में मैजिस्ट्रेट कुछ पर्सन को क्या कर सकते हैं, ऐसा डायरेक्शन दे सकते हैं, एम्पावर कर सकते हैं जहां पे वो पर्सन प्रोसिक्यूशन कंडक्ट कर सकते हैं। 305 में हमने ये बोला कि कॉर्पोरेशन या फिर रजिस्टर्ड सोसाइटी अगर अक्यूज है तो वो क्या करेंगे, अपना एक रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट कर लेंगे ताकि वो उनको डिफेंड कर सके। क्लियर। और इसके साथ हमें पढ़ना है 321 जो बात करता है इस प्रोसिक्यूशन के विड्रॉल की। क्या प्रोसिक्यूशन का विड्रॉल हो सकता है? आंसर इज यस, प्रोसिक्यूशन का विड्रॉल हो सकता है, प्रोसिक्यूशन को वापस लिया जा सकता है। और लेगा कौन? पीपी साहब। पीपी या असिस्टेंट पीपी कैन विड्रॉ द प्रोसिक्यूशन। अब इसका पूरा प्रोसीजर 321 में दे रखा है, तो आज हम इसी चैप्टर के साथ 321 को कनेक्ट करके पढ़ेंगे। एंड 316 को हमें पढ़ना चाहिए टेंडर एंड टेंडर ऑफ पार्डन के साथ। क्यों? हमने टेंडर ऑफ पार्डन में स्टूडेंट्स 306 में पढ़ा कि हम पार्डन कर सकते हैं किसको, एकम्प्लिस को। एंड अगर आफ्टर कमिटमेंट, आफ्टर कमिटमेंट जिस कोर्ट को हमने मैटर क्या किया है, कमिट किया है, वो चाहे तो आफ्टर कमिटमेंट भी पार्डन दे सकता है एकम्प्लिस को। एंड अगर 306 और 307 में जिन कंडीशंस पे आप पार्डन एक्सेप्ट कर रहे थे एकम्प्लिस, अगर आपने उसका नॉन कंप्लायंस किया तो 308 के तहत आपको उस ऑफेंस के लिए ट्राई किया जाएगा जिस ऑफेंस के लिए आपको हम पार्डन ग्रांट कर रहे थे। तो यहां पर 316 ये कहता है कि कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं किया जाएगा अक्यूज्ड के ऊपर अगर उससे कोई चीज आप डिस्क्लोज करवाना चाह रहे हैं। There has to be no influence on the accused while disclosing anything which he has within his knowledge, except 306 and 307. 306 और 307 में हम उसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं ना, उसको एक लालच दे रहे हैं ना कि भैया तुमको पार्डन कर देंगे। इसके अलावा आप कभी भी एक अक्यूज्ड को क्या नहीं कर सकते, इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, ऐसा 316 कहता है। बाकी सबके लिए हमें क्या करना है, मेजरली अपना एज यूजुअल सेगमेंट डील करना है। So, मैंने बोला प्रोसिक्यूशन में हमने कौन कौन सा सेक्शन पढ़ा, 301, 302 एंड 305। तो इन तीनों सेक्शंस के साथ हमें पढ़ना है विड्रॉल ऑफ प्रोसिक्यूशन। यहां है आज हमारा विड्रॉल ऑफ प्रोसिक्यूशन का सेगमेंट। 321 ये कहता है स्टूडेंट्स कि एक पीपी या एपीपी कोर्ट के कंसेंट से प्रोसिक्यूशन का विड्रॉल कर सकता है, वापस से मैटर को ले सकता है। लेकिन कौन से स्टेज पे, बिफोर द जजमेंट इज प्रोनाउंस्ड, इससे पहले कि जजमेंट प्रोनाउंस हो
पीपी साहब चाहे तो प्रोसिक्यूशन वापस ले सकते हैं। देखो कोर्ट की कंसेंट क्यों चाहिए, कोर्ट की कंसेंट इसलिए चाहिए क्योंकि मैटर किसके अगेंस्ट होता है स्टूडेंट्स, स्टेट के अगेंस्ट, दैट इज टू से स्टेट इज फाइलिंग अगेंस्ट द अक्यूज। तो वहां पे एग्रीव्ड पार्टी किसको माना जाता है, स्टेट को माना जाता है, बिकॉज क्रिमिनल लॉ में एक ऑफेंस या हम कह सकते हैं कि क्राइम हमेशा स्टेट के अगेंस्ट माना गया है, एंड इट इज और द स्टेट इज एट लिबर्टी टू विड्रॉ द प्रोसिक्यूशन। क्लियर है पॉइंट? ओके, सो यहां पर जब ऐसा विड्रॉल किया जा रहा है तो उसका इफेक्ट क्या होगा, क्या अक्यूज एक्विट हो जाएगा या डिस्चार्ज होगा, ये डिपेंड करता है एट विच स्टेज द प्रोसिक्यूशन वॉज विड्रॉन, कौन से स्टेज पे हमने प्रोसिक्यूशन को विड्रॉल किया या प्रोसिक्यूशन का विड्रॉल किया, उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि क्या एक पर्सन एक्विट होगा या डिस्चार्ज होगा। अगर प्रोसिक्यूशन का विड्रॉल स्टूडेंट्स चार्ज फ्रेम होने से पहले हुआ है तो पर्सन क्या होता है या अक्यूज क्या होता है, डिस्चार्ज होता है। मैंने हमेशा आपको दो वर्ड्स का मीनिंग बताया था, दैट इज डिस्चार्ज एंड एक्विटल। डिस्चार्ज हमेशा चार्ज फ्रेम होने से पहले, आरोप क्या करते हैं, आरोप बनाने से पहले, लेकिन एक्विटल कहाँ होता है, हमेशा आपके चार्ज फ्रेमिंग होने के बाद। सो अगर आपका विड्रॉल ऑफ प्रोसिक्यूशन हुआ चार्ज फ्रेमिंग के बाद तो वहां क्या हो जाएगा, एक्विटल हो जाएगा। सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ विड्रॉल ऑफ प्रोसिक्यूशन। क्लियर है? ये इफेक्ट स्टूडेंट्स हम आज दो कॉन्टेक्स्ट से पढ़ेंगे, एक हम 321 के कॉन्टेक्स्ट में भी पढ़ेंगे, एक 320 के कॉन्टेक्स्ट में भी पढ़ना क्योंकि एग्जाम में आएगा और यहाँ पे गलती मत कर देना। 321 में अगर प्रोसिक्यूशन का विड्रॉल हो रहा है तो या तो डिस्चार्ज होगा या एक्विटल होगा, लेकिन 320 में जहां ऑफेंस का कंपाउंड किया जा रहा है, ऑफेंस को कंपाउंड किया जा रहा है, शमनीय होता है जहां अपराध, वहां इफेक्ट हमेशा एक्विटल का होता है। ध्यान रखना, एग्जाम में पहले आ चुका है ये क्वेश्चन कि अगर एक अक्यूज को हम क्या कर रहे हैं, अक्यूज का जो ऑफेंस है वो कंपाउंड किया जा रहा है, बी इट विद द कंसेंट ऑफ द कोर्ट और बी इट विद द कंसेंट ऑफ द कोर्ट प्लस विद द कंसेंट ऑफ द विक्टिम, तो वहां पे इफेक्ट क्या होता है, ऑलवेज एंड ऑलवेज योर अक्यूज गेट्स एक्विटेड, बरी हो जाता है, डिस्चार्ज नहीं, बरी मतलब अब वापस से आपका मैटर स्टार्ट नहीं होगा। मतलब यहाँ पर सेक्शन 300 रीड विद आर्टिकल 20 क्लॉज 2 अप्लाई हो जाएगा, अंडरस्टूड? लेकिन डिस्चार्ज के मामले में अप्लाई नहीं होता, ध्यान रखना ये डिस्चार्ज के मामले में अप्लाई नहीं होता है। हम 300 में पढ़ चुके हैं, सेक्शन 300 लास्ट सेगमेंट में हम पढ़ चुके हैं, ओके? जब हमने क्या पढ़ा, राइट्स ऑफ एन अक्यूज्ड पर्सन पढ़ा, तो हमने सेक्शन 300 पढ़ा, हमने सेक्शन 303 भी पढ़ा एंड सेक्शन 304 भी पढ़ा, व्हेन दैट इज टू से द राइट ऑफ द अक्यूज्ड पर्सन टू बी रिप्रेजेंटेड बाय द प्लीडर ऑफ हिज चॉइस, एंड 304 में हमने फ्री लीगल एड की बात करी, कब, कोर्ट ऑफ सेशन के सामने, और स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है वो चाहे तो वो सारे सेक्शंस को, दैट इज सबसेक्शन 1, 304 का सबसेक्शन 1 कैन बी अप्लाइड टू अदर कोर्ट्स एज वेल। अब सुनो, 321 में हमने क्या बोला, प्रोसिक्यूशन का जो है वो विड्रॉल हो सकता है, लेकिन कुछ मैटर्स में प्रोसिक्यूशन का विड्रॉल तब तक नहीं हो सकता जब तक हम सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन ना ले आए। तो वो कौन से मैटर्स है, जनरल रूल क्या कहता है, पीपी या असिस्टेंट पीपी मैटर को विड्रॉ कर सकते हैं लेकिन सिर्फ और सिर्फ कोर्ट की कंसेंट चाहिए, बट देयर आर 4 सिचुएशंस जहां पर कभी भी प्रोसिक्यूशन का विड्रॉल नहीं हो सकता है विदाउट द कंसेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन सा मैटर है वो, पहला, अगर ऑफेंस है ऐसे लॉ के अगेंस्ट जो कि रिलेट करता है एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ यूनियन, यूनियन है स्टेट एंड यूनियन, वी नो चैप्टर नंबर सॉरी पार्ट नंबर 5 एंड पार्ट नंबर 6 अंडर आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो वहां पर यूनियन की अगर एग्जीक्यूटिव पावर्स है उनसे रिलेटेड कोई लॉ के अगेंस्ट, लॉ में आपने कोई ऑफेंस किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, वो ही यहां पर क्या कर सकते हैं, विड्रॉल करवा पाएंगे, मतलब आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की कंसेंट की आवश्यकता पड़ेगी। सेकेंड, अगर ऑफेंस ऐसा है विच इज इन्वेस्टिगेटेड बाय दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट तो वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लगेगी। मिस अप्रोप्रिएशन हुआ, डिस्ट्रक्शन हुआ या डैमेज हुआ ऐसी प्रॉपर्टी का जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए ऐसे प्रोसिक्यूशन का विड्रॉल करने के लिए। एंड फोर्थ इज इफ ऑफेंस हैज बीन कमिटेड बाय अ पर्सन इन द सर्विस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विस में जब पर्सन था, अपनी ऑफिशियल ड्यूटी, अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में उसने कोई ऑफेंस कमिट किया है, जब वो किसकी सर्विसेज दे रहा था, सेंट्रल गवर्नमेंट में सर्विसेज दे रहा था, तो वहां पे ऐसे ऑफेंस का विड्रॉल या प्रोसिक्यूशन का विड्रॉल करने के लिए, ऑफेंस का विड्रॉल नहीं होता, प्रोसिक्यूशन का विड्रॉल करने के लिए हमें सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन की आवश्यकता है। इज इट क्लियर? 321 बहुत अच्छे से याद रखना स्टूडेंट्स, इस पॉइंट से क्वेश्चन आता ही आता है, ये ध्यान रखना, बस इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सेगमेंट, अब हमने क्या बोला, टेंडर ऑफ पार्डन में हमें
306 307 308 के साथ क्या पढ़ना है, 316 पढ़ना है। ये रहा हमारा 316। कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं करना है आपको एक अक्यूज पर्सन के ऊपर एक्सेप्ट 306 और 307 में। आप कर सकते हो जहां आप उसको लालच दे रहे हो कि हम आपको पार्डन ग्रांट कर देंगे ताकि हम क्या कर सके, एविडेंसेस ऑब्टेन कर सके उस पर्सन के लिए हु वाज एंगेज्ड विद हिम इन द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस। क्लियर। नेक्स्ट, तो आज का हमारा सेगमेंट यहां से स्टार्ट होता है। अब हम चलेंगे कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस। 321 हमने किसके साथ पढ़ा, प्रोसिक्यूशन के साथ पढ़ा, पढ़ लिया प्रोसिक्यूशन के साथ। 316 हमने टेंडर ऑफ पार्डन के साथ पढ़ लिया। अब हमें पढ़ना है कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस। ऑफेंसेस को कंपाउंड किया जा सकता है, यस किया जा सकता है। 320 सबसेक्शन 1 में हम ऑफेंसेस को कंपाउंड करते हैं विद द कंसेंट ऑफ विक्टिम। सी मींस कंसेंट ऑफ विक्टिम, जहां पे 39 ऐसे ऑफेंसेस हैं जिनको हम कंपाउंड कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ विक्टिम की परमिशन चाहिए। बट सबसेक्शन 2 में हमारे पास 13 ऐसे ऑफेंसेस हैं जहां पे हमें कंसेंट चाहिए विक्टिम की भी कोर्ट की भी। सो विक्टिम प्लस कोर्ट दोनों की कंसेंट हमें चाहिए सबसेक्शन 2 में, तब हम 13 ऑफेंसेस को क्या कर सकते हैं, कंपाउंड कर सकते हैं। अब आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आ रहा होगा, मैम क्या हमें ये ऑफेंसेस की लिस्ट याद रखने की जरूरत है कि कौन से कंपाउंडेबल है विद द कंसेंट ऑफ विक्टिम एंड कोर्ट, एंड कौन से कंपाउंडेबल है विद द कंसेंट ऑफ ओनली विक्टिम, है ना। सो सवाल उत्तर ये है कि आपको उसके लिए PYQ देखना पड़ेगा। क्या आपके स्टेट जुडिशरी में ऐसा सवाल पहले आ चुका है कंपाउंडिंग ऑफ द ऑफेंस की उन लिस्ट से, तब तो पढ़ो, अन्यथा मत पढ़ो। और पढ़ना है, रिस्क लेना है, तो इन 13 ऑफेंसेस को एक बार आप याद करने की कोशिश करें। 13 ऑफेंसेस की लिस्ट इजीली याद हो जाएगी, 39 ऑफेंसेस हो सकता है थोड़ा मुश्किल हो जाए, तो पहले प्रायोरिटी 13 ऑफेंसेस को दे दीजिए। एंड जस्ट स्टेट जुडिशरी को आप टारगेट कर रहे हैं, जब भी आप उनके सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन को देख रहे हैं तो एक चीज ध्यान रखिए, कई बार ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़ने के बाद जब आप PYQs को वापस एनालाइज करते हैं एंड यू रियलाइज कि जो मैंने पढ़ा उसके कॉन्टेक्स्ट, दैट इज उसके पूरा जो सिलेबस था या एरिया था, ज्यूरिसडिक्शन था, लिमिट था, उससे बाहर भी कुछ क्वेश्चन आ गया है, उसका लिस्ट बनाओ, लिस्ट बनाओ ताकि हम उन चीजों को भी कवर कर सके अपनी प्रिपरेशन। ओके, सबसेक्शन 3 ये बोलता है कि जिन ऑफेंसेस को आपने सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2 में कवर किया उनके अटेम्प्ट और अबेटमेंट को भी हम कंपाउंड कर सकते हैं। सबसेक्शन 4 ये कहता है कि अगर सिचुएशन ऐसी है, सबसेक्शन 4 क्लॉज ए ये कहता है अगर सिचुएशन ऐसी है जहां पे जिस पर्सन के द्वारा ऑफेंस को कंपाउंड किया जाना है वो 18 इयर्स बिलो है, इडियट है या ल्यूनाटिक है, तो उसके बिहाफ पे कोई भी पर्सन ऑफेंस को कंपाउंड कर सकता है विद द कंसेंट ऑफ द कोर्ट। ए और बी में दोनों में ही कोर्ट की कंसेंट, दोनों में ही कोर्ट की कंसेंट चाहिए। और जब यहाँ पे कोर्ट की कंसेंट हम ले रहे होंगे तो हमें ये मेक श्योर करना है कि ए पॉइंट में कोई भी पर्सन ऑफेंस को कंपाउंड कर सकता है, लेकिन स्टूडेंट्स दैट पर्सन हैज टू बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। और कोई पर्सन कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट कहाँ होता है, सेक्शन 11 एंड 12 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो कि क्या कहता है, मेजर पर्सन होना चाहिए, साउंड माइंड पर्सन होना चाहिए, नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ होना चाहिए, राइट। सो ऐसा पर्सन क्या कर सकता है, ऑफेंस को कंपाउंड कर सकता है ऐसे पर्सन के बिहाफ पे जो 18 इयर्स बिलो है, इडियट है, ल्यूनाटिक है, प्रोवाइडेड वो कोर्ट वो कॉम्पिटेंट है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, प्लस कोर्ट उसको परमिट करे। लेकिन ऐसी सिचुएशन है जहां पर जिस पर्सन के द्वारा वो ऑफेंस कंपाउंड हो सकता है, मतलब जहां पर हम विक्टिम की परमिशन लेके विक्टिम के कंसेंट के साथ ऑफेंस को कंपाउंड कर सकते हैं, वो विक्टिम डेड है, तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स की परमिशन से हम वहां ऑफेंस को कंपाउंड कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ यहां पे कोर्ट्स की भी कंसेंट होनी चाहिए। और ये लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स कौन से हैं, वही एज डिफाइंड अंडर CPC आ चुका है, ये पहली बार बहुत बार सवाल आ चुका है पहले भी, तो प्लीज इसको मार्क करके रख लो, बहुत बार पूछा जाता है। लीगल रिप्रेजेंटेटिव एज डिफाइंड अंडर विच एक्ट, CPC, CRPC, इंडियन एविडेंस एक्ट, कोई भी सिचुएशन दे देंगे। और जनरली स्टूडेंट्स वहां CRPC मेंशन करते हैं, नहीं, CPC में जो हमें लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स की डेफिनेशन दे रखी है उसके अनुसार जो पर्सन लीगल रिप्रेजेंटेटिव है विक्टिम का, उसके कंसेंट के साथ प्लस कोर्ट की परमिशन के साथ हम ऑफेंस को कंपाउंड कर सकते हैं जब विक्टिम डेड है। ये कहां दे रखा है, 320 सबसेक्शन 4 क्लॉज बी।
क्लियर। सबसेक्शन 5 ये कहता है कि अगर अपील पेंडिंग है या मैटर ऐसा है जिसको हम कमिट कर सकते हैं तो वहां पे तब तक कंपाउंडिंग नहीं होगी जब तक हम उस कोर्ट की परमिशन ना लेके आ जाएं जो कि अपील को हेयर कर रहा है, जो अपील की सुनवाई कर रहा है, या उस कोर्ट की कंसेंट ना लेके आ जाएं जिसको कि हमने मैटर क्या क्या है कमिट किया है, जिस कोर्ट को हमने ट्रायल के लिए मैटर कमिट किया है, केस कमिट किया है, उस कोर्ट की यहाँ पे कंसेंट की आवश्यकता होगी। क्लियर। सबसेक्शन 6 ये बोलता है हाई कोर्ट एंड कोर्ट ऑफ सेशन के पास पावर है कि जब वो सेक्शन 401 के अंडर अपना पावर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो वो भी अलाउ कर सकते हैं मैटर को कंपाउंड करने के लिए। सबसेक्शन 7 ये कहता है कि कोई भी कंपाउंडिंग नहीं होगी अगर कोई प्रीवियस कन्विक्शन हो रखा है किसी पर्सन का एंड प्रीवियसली वो पर्सन कन्विक्ट हो गया, वापस से वो पर्सन कन्विक्ट हो रहा है और अब जब वो कन्विक्ट हो रहा है तो ही इज एंटाइटल्ड फॉर एनहांस्ड पनिशमेंट। ऐसी पनिशमेंट जिसमें वृद्धि हो रही है, कुछ एडवांस पनिशमेंट आप दे रहे हो, एक्स्ट्रा पनिशमेंट दे रहे हो उसको, तो वहां पर, और एक्स्ट्रा पनिशमेंट क्यों दे रहे हैं, क्योंकि उसका प्रीवियस कन्विक्शन हो रहा है, तो उस मामले में कोई भी कंपाउंडिंग नहीं होगी। एंड 8th पॉइंट दैट इज सबसेक्शन 8 ये कहता है कंपाउंडिंग का इफेक्ट होगा एक्विटल। दिस वी विल रीड विद सेक्शन नंबर 321 जहां पर प्रोसिक्यूशन का स्टूडेंट्स विड्रॉल होता है और हमने पढ़ा उसका दो इफेक्ट हो सकता है डिस्चार्ज एंड एक्विटल। डिस्चार्ज कब? बिफोर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, एंड एक्विटल कब? आफ्टर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। क्लियर है, ध्यान रखना ऐसे सवाल आ सकते हैं। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सेगमेंट। अब मैंने अक्यूज की वर्ड पकड़ा, क्या की वर्ड पकड़ा, मैंने अक्यूज की वर्ड पकड़ा और अक्यूज से रिलेटेड चार सेक्शन हमारे पास है। मेजरली यहाँ पे 3 सेक्शन है बट कुछ सेक्शन हम और यहाँ पे कनेक्ट करेंगे जिसको हम बाद में कवर करने वाले, लेकिन लिखिएगा जरूर ताकि जब हम ये सेक्शन पढ़ेंगे तो इन सेक्शन को वापस रिकॉल कर लेंगे। ओके, अनदर मैंने की पॉइंट क्या पकड़ा स्टूडेंट्स, अक्यूज। चैप्टर नंबर 24 में मैंने की वर्ड पकड़ा अक्यूज और यहाँ पे अक्यूज से रिलेटेड 3 सेक्शन है, जहां पहला सेक्शन है 315 जो कहता है अक्यूज कॉम्पिटेंट विटनेस होगा। क्या होगा? कॉम्पिटेंट विटनेस होगा। ऐसा नहीं है कि अक्यूज कभी विटनेस नहीं हो सकता। जिस तरीके से विक्टिम खुद उस ऑफेंस से रिलेटेड या सर्कमस्टांसेस ऑफ द ऑफेंस से रिलेटेड खुद एक डायरेक्ट विटनेस होता है, वैसे के वैसे अक्यूज को भी बोला गया है कि अक्यूज इज ऑल्सो गोइंग टू बी अ कॉम्पिटेंट विटनेस। लेकिन ये विटनेस किसका होगा? डिफेंस का होगा, मतलब खुद का विटनेस होगा। और विक्टिम किसका विटनेस होता है? प्रोसिक्यूशन का होता है, सरकारी गवाह होता है वो। लेकिन हमारा अक्यूज क्या होता है? सरकारी गवाह नहीं होता है, वो खुद का गवाह होता है, दैट इज डिफेंस काउंसिल का एक विटनेस होता है। अब 316 कहां गया? याद आ रहा है 316 कहां गया? हमने इसको पढ़ा 306, 307 एंड 308 के साथ, जो बात करता है टेंडर ऑफ पार्डन के बारे में, बराबर। एंड अब हम पढ़ेंगे 317 ये बोलता है कुछ ऐसे सिचुएशन है जहां पर हम अक्यूज्ड की प्रेजेंस को डिस्पेंस कर सकते हैं। अगर वो एब्सेंट है तो उसको एब्सेंट हम उसके एब्सेंस में भी हम इंक्वायरी और ट्रायल कंडक्ट कर सकते हैं। दिस इज योर 317। एंड कई बार हो सकता है कि अक्यूज को समझ ही नहीं आए कि क्या प्रोसीडिंग चल रही है, उसको लैंग्वेज समझ नहीं आ रही है। मान लीजिए कोई साउथ का पर्सन है, उसने ऑफेंस किया राजस्थान में, अब यहाँ पर हिंदी उसको समझ नहीं आ रही है, हिंदी मान लीजिए उस पर्सन को समझ नहीं आ रही, प्रोसीडिंग नहीं समझ आ रहा है, देन इन दैट केस व्हाट? तो सबसे पहले पढ़ेंगे 315 जो कहता है कि एक डिफेंस का, सॉरी, जो अक्यूज है वो डिफेंस का कॉम्पिटेंट विटनेस है, मतलब वो एविडेंस दे सकता है। किस पे देगा? ओथ पे देगा, ध्यान रखना, ही विल ऑलवेज गिव द एविडेंसेस ऑन ओथ। लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड ओवर हियर इज दैट ही विल नॉट बी कॉल्ड एज द विटनेस अनलेस एंड अंटिल वो खुद से रिक्वेस्ट दे राइटिंग में। Not called in witness without his own request in writing. तब तक हम उसे witness नहीं बुला सकते हैं defense का जब तक वो खुद लिखित में ये ना दे दे कि मैं यहाँ पे defense का witness बनना चाहता हूँ और मैं ऐसे evidences देना चाहता हूँ। और अगर वो evidence दे रहा है, हम उसकी evidences oath पे लेने वाले हैं। Is it clear? Oath से याद आ रहा है कुछ section number 164 स्पेसिफिकली हमने किसकी बात की थी? सेक्शन नंबर 164 की बात की थी। कल भी अगर आपको याद आ रहा है जब मैंने आपको चार्ट दिखाया था, रिमेंबर जब मैंने आपको चार्ट दिखाया था सेक्शन 313 पढ़ा, जब हमने क्या बोला, अक्यूज्ड का एग्जामिनेशन कर सकता है कोर्ट कब, जब इंक्वायरी या ट्रायल चल रही है, उस वक्त अक्यूज को जब भी हम एग्जामिन कर रहे हैं ओथ की जरूरत नहीं है। 313 में ओथ की जरूरत नहीं है, लेकिन 315 में जब हम बोल रहे हैं कि ये अक्यूज्ड विटनेस बन रहा है तो ओथ की जरूरत है यहाँ पे।
साथ ही साथ 164 में भी किसके लिए जरूरत होती है? ओथ, स्टेटमेंट के लिए जरूरत होती, कन्फेशन के लिए जरूरत नहीं होती है. क्लियर? तो ओथ से रिलेटेड हम 3 सेक्शंस ऑलरेडी कवर कर चुके हैं. ठीक है, नेक्स्ट. अगर अक्यूज फेल हो जाए एविडेंसेस देने के लिए, विटनेस बन गया लेकिन अब एविडेंसेस नहीं दे पा रहा है, तो उसका ये मतलब नहीं है कि कोई पार्टी उसके ऊपर कमेंट करेगी या उसके ऊपर क्वेश्चन उठाएगी. ना ही कोर्ट उसके ऊपर ऐसा कोई क्वेश्चन उठाने वाला है, ना ही कोर्ट उसके अगेंस्ट कोई प्रिजम्पशन लेगा कि क्यों तुम ऐसा एविडेंस नहीं दे पाए हैं. मतलब अगर उसने कोई एविडेंस नहीं दे पाया, फेल हो गया, तो उसका ये मतलब नहीं है कि उसके एडवर्स में वो प्रोसीडिंग चलेगी, उसके एडवर्स या उसके खिलाफ, उसके विरुद्ध ऐसी प्रोसीडिंग नहीं चलेगी. ओके, 317 क्या बोलता है? अगर अक्यूज एब्सेंट है कुछ सिचुएशंस में, तो वो कौन से ग्राउंड्स हैं जहां पे वो एब्सेंट है, तब भी जज या मैजिस्ट्रेट बोलेंगे कि भाई इंक्वायरी और ट्रायल को कंटिन्यू रखिए. उस मैटर में भी जज या मैजिस्ट्रेट बोलेंगे कि इंक्वायरी या ट्रायल कंटिन्यू रखिए. कब? एट द एनी स्टेज ऑफ इंक्वायरी या ट्रायल. जज खुद से बोल सकते हैं कि भाई अक्यूज की अटेंडेंस को डिस्पेंस कीजिए, कोई जरूरत नहीं है अक्यूज को बार बार कोर्ट में बुलाने की. कौन से स्टेज पे? किसी भी स्टेज पे, इंक्वायरी या ट्रायल के किसी भी स्टेज पे वो अक्यूज की अटेंडेंस को डिस्पेंस कर सकते हैं एंड हमारी प्रोसीडिंग को कंटिन्यू कर सकते हैं. कौन से ग्राउंड्स पे? पहला, अगर हमें पर्सनल अटेंडेंस की जरूरत नहीं है. अक्यूज को बार बार बुलाने से क्या मतलब है? बार बार पुलिस के साथ आ रहा है, जीप में आ रहा है, लेके जाओ, फालतू का खर्चा, कोई जरूरत नहीं उसको बार बार बुलाने की. दूसरा, अक्यूज डिस्टर्ब्स द प्रोसीडिंग. अगर लग रहा है बार बार अक्यूज को हम यहाँ पे कोर्ट में बुला रहे हैं और उसकी अटेंडेंस की वजह से हमारी प्रोसीडिंग बार बार डिस्टर्ब हो रही है, देन नो नीड ऑफ कॉलिंग हिम इन टू द कोर्ट अगेन एंड अगेन. एंड थर्ड पॉइंट इज, इफ अक्यूज इज रिप्रेजेंटेड बाई प्लीडर, मतलब वकील साहब है ना यहाँ पर कोर्ट में आपको रिप्रेजेंट करने के लिए, आपके बिहाफ पर चीजें बोलने के लिए, तो फिर अक्यूज की पर्सनल अटेंडेंस को मैजिस्ट्रेट खुद डिस्पेंस कर देंगे और बोलेंगे आप जेल में रहिए, या फिर अगर वो कस्टडी में तो आप कस्टडी में रहिए, और अगर वो बेल पे आउट है तो आप बेल पे रहिए, आपको बार बार आने की जरूरत नहीं. इसीलिए तो हम देखते हैं ना बार बार अक्यूज नहीं आता है, बार बार अक्यूज को कोर्ट में नहीं बुलाया जाता है बिकॉज उनका प्लीडर एंगेज है. सो दैट इज 317. और 318 किसकी बात करता है? अगर अक्यूज को समझ ही नहीं आ रहा है प्रोसीडिंग कैसे चल रही है, तो कोर्ट उसमें प्रोसीड करेगा. ये कोर्ट के ऊपर है, कोर्ट में प्रोसीड. एंड अगर ऐसा कोर्ट है विच इज अदर देन हाई कोर्ट, कोर्ट है हमारा, एंड उस मैटर में, उस प्रोसीडिंग में पर्सन की कन्विक्शन हो गई, अक्यूज पर्सन की कन्विक्शन हो गई, तब तो अक्यूज को ये चीजें समझना बनता है ना कि क्या चल रहा था एग्जैक्टली. अगर कन्विक्शन नहीं हुई है तो नॉट अ बिग डील कि चलो ठीक है उसको नहीं समझ आया, कोई समझ बात नहीं है क्योंकि उसके अगेंस्ट कुछ नहीं गया. लेकिन मैटर ऐसा है जहां पे कोर्ट कौन सा नहीं है, हाई कोर्ट नहीं है, मतलब हाई कोर्ट से निचली अदालतें हैं, एंड सिचुएशन ऐसी है जहां पर अक्यूज को प्रोसीडिंग समझ नहीं आ रही है, उसका कन्विक्शन हो गया है, देन दैट पर्टिकुलर कोर्ट इज गोइंग टू फॉरवर्ड द प्रोसीडिंग टू हाई कोर्ट और फिर हाई कोर्ट ऑर्डर पास करेंगे. फिर हाई कोर्ट ऑर्डर पास करेंगे, प्रॉपरली वहां उस पर्सन को सब कुछ समझाया जाएगा क्या है क्या नहीं है. सो नाउ द कंप्लीट केस गोज टू योर हाई कोर्ट. क्लियर है सिचुएशन? यहां पे कौन से सेक्शन पढ़ने हैं? 279 हमको पढ़ना है एंड 282 पढ़ रहा है, जहां पे हमने प्लीडर, सॉरी कह सकते हैं कि इंटरप्रेटर को एंगेज करने की बात की है. एक बार अगर 279 की सिर्फ हेडिंग देखेंगे तो इट सेज इंटरप्रिटेशन ऑफ एविडेंस टू अक्यूज्ड और हिज प्लीडर. अगर उधर अक्यूज या उसके प्लीडर को नहीं समझ आ रहा है कि क्या एविडेंसेस दिए जा रहे हैं, तो वहां पर है इंटरप्रेटर को अपॉइंट कर सकते हैं. देन इट इज 282 जो कहता है इंटरप्रेटर टू बी बाउंड टू इंटरप्रेट ट्रूथफुली. इंटरप्रेटर के ऊपर क्या है, ये ड्यूटी है कि वो जो कुछ भी इंटरप्रेट करेगा वो ट्रूली करेगा, कुछ भी झूठा इंटरप्रिटेशन उसे नहीं करना है. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द मेजर पार्ट, जहां पर 5 सेक्शन हमें एक साथ पढ़ने चाहिए, जो कि डील करते हैं किससे स्टूडेंट्स, जो कि डील करते हैं प्रोसीजर से. अब पांचों सेक्शन में कुछ ना कुछ प्रोसीजर दे रखी है जो लाइन से आते हैं, 322, 23, 24, 25 एंड 26. अब अच्छे से सुनना, यहाँ पे हम सेक्शंस की रीडिंग भी लगाने वाले, उसके बाद हमारे पास बचेगा 319 एंड 327. क्लियर है ये चीज? तो अब अच्छे से सुनो, 322 ये कहता है स्टूडेंट्स कि कई बार सिचुएशन ऐसी हो सकती है जहां मजिस्ट्रेट को लगे कि वो केस को डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकते, मतलब वो केस को आगे ट्राई नहीं कर सकते, केस में आगे प्रोसीड नहीं कर सकते. कौन से ग्राउंड्स हो सकते हैं? जब मजिस्ट्रेट को लगे कि उनके पास ज्यूरिसडिक्शन नहीं है. दूसरा, जब मजिस्ट्रेट को लगे कि मैटर ऐसा है जो कि ट्राई किया जाना चाहिए अदर मजिस्ट्रेट द्वारा, या फिर इस मैटर को हमें कमिट करना चाहिए किसी और मजिस्ट्रेट को,
या फिर ऐसा मैटर है जो कि ट्राइबल है सीजीएम के द्वारा, ये कहाँ पता चलता है? ये कॉग्निजेंस लेने की स्टेज पे पता चलता है। कहाँ पता चलता है? कॉग्निजेंस लेने के बाद जब इंक्वायरी और ट्रायल हो रही है। देखो इंक्वायरी और ट्रायल पर भी कई बार ऐसे एविडेंसेस सामने आते हैं जहां लगता है भाई ये तो एग्रीवेटेड ऑफेंस किया है इसने, घातक अपराध किया है, जो कि आपका जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हो सकता है ट्राई नहीं कर पाए क्योंकि उनको एम्पावरमेंट नहीं है इतना बड़ा पनिशमेंट देने की। हो सकता है सीधा कोर्ट ऑफ सेशन या हमारे सीजीएम द्वारा 7 साल से ज्यादा की पनिशमेंट देना या 10 साल की पनिशमेंट देना या फिर डेथ या एलआई देने का पावर उनके पास है। और उनको ये कौन से स्टेज पे पता चल रहा है? उनको ये इंक्वायरी और ट्रायल के स्टेज पे पता चल रहा है। उनको सेक्शन 193 या 209 में पता नहीं चला कि दिस मैटर हैज टू बी एक्सक्लूसिवली ट्रायल बाय कोर्ट ऑफ सेशन। उनको इंक्वायरी और ट्रायल की स्टेज पे 322 में पता चला कि दिस मैटर इज नॉट ट्रायबल बाय अस और दिस मैटर हैज टू बी कमिटेड टू द हायर कोर्ट और टू अदर मजिस्ट्रेट या इट इज ट्रायबल बाय सीजीएम। तो यहाँ पे वो मैजिस्ट्रेट क्या करेंगे, वो यहाँ पे मैटर को या प्रोसीडिंग को स्टे करेंगे और इसको आगे सबमिट करेंगे किसको, या तो सीजीएम को या तो मैजिस्ट्रेट को। क्लियर है? वहीं पर 323 ये कहता है कि चलो आपने कमिटमेंट कर दिया, 322 में आपको इंक्वायरी के स्टेज पर आके आपकी नींद खुली कि मैटर हमारे द्वारा ट्राइबल नहीं है। 323 ये कहता है कि 193 में आपको पता चला दिस मैटर इज टू बी ट्रायबल, इज टू बी ट्राइड बाय कोर्ट ऑफ सेशन और आपने 209 में उसका कमिटमेंट कर दिया। लेकिन 323 में कमिटमेंट के बाद इंक्वायरी या ट्रायल के स्टेज पे क्या पता चलता है? कोर्ट ऑफ सेशन को ऐसा लगता है, कोर्ट ऑफ सेशन को पहली बात तो ये देखो, आपके जो मैजिस्ट्रेट्स हैं, क्या है, मैजिस्ट्रेट्स हैं, इनको ऐसा लगता है कि मैटर क्या है, मैटर कमिट करने योग्य है। लेकिन 193, 209 एंड 323 में फर्क क्या है? 209 में बच्चों देखो, आपके मैजिस्ट्रेट को ये महसूस होता है कि दिस केस इज टू बी ट्रायल बाय कोर्ट ऑफ सेशन एट द टाइम ऑफ टेकिंग कॉग्निजेंस। लेकिन 323 में उनको कहां, उनके दिमाग की बत्ती कहां जली कि दिस मैटर इज टू बी ट्रायल बाय कोर्ट ऑफ सेशन एट द कमेंसमेंट ऑफ इंक्वायरी एंड ट्रायल। दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन 209 के अंडर कमिटमेंट एंड 323 के अंदर कमिटमेंट। क्लियर है चीज? तो दो जगह कमिटमेंट हो रहा है, 209 में भी हो रहा है, 323 में भी हो रहा है। 209 में कहां पर होता है? 193 के ग्राउंड्स पे, दैट इज एट द टाइम ऑफ टेकिंग ऑफ कॉग्निजेंस दे रियलाइज दिस मैटर इज एक्सक्लूसिवली ट्रायबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन। लेकिन 323 में एट द कमेंसमेंट ऑफ इंक्वायरी एंड ट्रायल लग रहा है कि दिस मैटर हैज टू बी ट्राइड बाय कोर्ट ऑफ सेशन। तो यहां पर क्या करेंगे? तो देखो महसूस कहां पर हो रहा है इनको, एट द स्टेज ऑफ प्रोसीडिंग, प्रोसीडिंग है किसी भी स्टेज पे महसूस हो रहा है या फिर बिफोर साइनिंग द जजमेंट मजिस्ट्रेट को लग रहा है कि भैया दिस मैटर इज टू बी ट्रायबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन, देन दे विल कमिट द मैटर टू कोर्ट ऑफ सेशन। तो लिख लीजिए नोटबुक्स में, छाप लीजिए कि कमिटमेंट स्टूडेंट्स दो जगह होता है, कमिटमेंट दो जगह होता है कोर्ट ऑफ सेशन को केस, एक हो रहा है 209 में, एक हो रहा है 323 में। 209 में कहां हो रहा है? एट टेकिंग कॉग्निजेंस। And 323 में कहां हो रहा है? At the commencement of inquiry and trial. और chapter number 28 apply होता है। Chapter number 28 क्या होता है? Chapter number 28 क्या deal करता है? So देखो students, ऐसे कुछ जो tricky चीजें हैं, ये आपको exam में पूछी जा सकती है। So chapter number 28 specifically, एक minute students, ना let us come to section number 323 and just once read it, okay? चैप्टर नंबर 28 नहीं है, इट इज 18 है ना, वही मैं देखू 28 तो हमारे सबमिशन ऑफ मैटर या सबमिशन ऑफ केस टू हाई कोर्ट होता है फॉर द कंफर्मेशन ऑफ द डेथ सेंटेंस। और चैप्टर नंबर 18 किससे डील करता है? हमारे वॉरंट ट्रायल बाय कोर्ट ऑफ सेशन से डील करता है, जहां पे कोर्ट ऑफ सेशन के पास एक्सक्लूसिव पावर है कि वो क्या कर सकते हैं, मैटर को अच्छे से देख सकते हैं, वहां पर अपना जजमेंट प्रोनाउंस कर सकते हैं, दैट इज ट्रायल बिफोर कोर्ट ऑफ सेशन। और कौन सी होती है? ये वॉरंट ट्रायल होती है। क्लियर है ये चीज? चलिए नेक्स्ट इज 324। अब 324 में क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, कोई पर्सन है जिसका पहले कन्विक्शन हो चुका है, अब वापस से कन्विक्शन हो रहा है, मतलब प्रीवियसली उसका कन्विक्शन हो चुका है, कौन से ऑफेंसेस के लिए? कॉइन से रिलेटेड ऑफेंस, स्टैम्प से रिलेटेड ऑफेंस या प्रॉपर्टी से रिलेटेड ऑफेंस, जहां पे उसको इम्प्रिजनमेंट हुई या तो 3 साल की या 3 साल से अबव की, और अब वापस से उसका कन्विक्शन हो गया है, तो मैजिस्ट्रेट क्या करेंगे? तो मैजिस्ट्रेट शैल, अगर उनको लग रहा है कि मैटर ट्रायबल है सीजीएम के द्वारा, तो सीजीएम को भेजेंगे।
एंड अगर उनको लग रहा है कि मैटर ऐसा है कि अब हमें कोर्ट ऑफ सेशन को कमिट करना चाहिए, तो वो कोर्ट ऑफ सेशन को कमिट करेंगे. कब? जब प्रीवियसली उस पर्सन का कन्विक्शन हो चुका है और उनको इंक्वायरी और ट्रायल के स्टेज पे रियलाइज हो रहा है कि अब इसका वापस से कन्विक्शन हो रहा है, तो 324 को एक बार हम पढ़ेंगे. लेकिन कब उनको ट्रांसफर करना है? अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है कि वो खुद से उस मैटर को ट्राई करने के लिए कॉम्पिटेंट नहीं. देखो वर्ड अनलेस लग गया ना, अनलेस मैजिस्ट्रेट इज कॉम्पिटेंट टू ट्राई. अगर मैजिस्ट्रेट को लग रहा है मैं कॉम्पिटेंट हूँ उस मैटर को ट्राई करने के लिए, तो वो कोई सीजेएम या कोर्ट ऑफ सेशन को मैटर नहीं भेजेंगे. अगर उनको लग रहा है ही इज ऑफ ओपिनियन दैट ही कैन पास एडिक्वेट सेंटेंस, तो भी वो आगे कोई मैटर को नहीं भेजेंगे. लेकिन उनको लग रहा है कि आई एम नॉट कॉम्पिटेंट टू ट्राई द मैटर एंड आई कैन नॉट पास द सफिशिएंट और एडिक्वेट सेंटेंस, देन इन दैट केस द मैटर विल बी सेंट फॉरवर्ड टू सीजेएम और कमिटेड टू कोर्ट ऑफ सेशन. एक बार आ जाएंगे सभी स्टूडेंट सेक्शन नंबर 324 पे, और 324 को आज हम रीड करेंगे. हेडिंग कहती है ट्रायल ऑफ पर्सन प्रीवियसली कन्विक्टेड ऑफ ऑफेंस अगेंस्ट कॉइनेज, स्टैंप लॉ और प्रॉपर्टी लॉ. सो इट इज स्टैंप लॉ. ओके, सबसेक्शन 1 पढ़ रही हूँ. वेर अ पर्सन हैविंग बीन कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर चैप्टर नंबर 12, चैप्टर नंबर 17 ऑफ आईपीसी विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म ऑफ 3 years और अपवर्ड्स. देखो वर्ड इम्प्रिजनमेंट है, पनिशमेंट नहीं है. वर्ड इम्प्रिजनमेंट मतलब उसको 3 साल तक की सजा मिली, या तो 3 साल तक की या अपवर्ड्स. इज अगेन अक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर आइदर ऑफ दोज चैप्टर विद द इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म ऑफ 3 years और अपवर्ड्स. और वापस से उसको पनिशमेंट मिल रही है या तो 3 साल तक के लिए या 3 साल से ज्यादा तक के लिए. एंड मैजिस्ट्रेट बिफोर होम द केस इज पेंडिंग, मतलब जिसके सामने ट्रायल और इंक्वायरी पेंडिंग है, इज सैटिस्फाइड. कौन से ग्राउंड पे? इज सैटिस्फाइड दैट देर इज अ ग्राउंड फॉर प्रिजम्पशन दैट सच पर्सन हैज कमिटेड एन ऑफेंस. तो यहाँ पे मैजिस्ट्रेट एक प्रिजम्पशन ले रहा है कि भाई ऐसा ऑफेंस तो हुआ है. ही शैल बी सेंट फॉर ट्रायल टू सीजेएम, या तो हम सीजेएम के पास भेजेंगे और कमिटेड टू कोर्ट ऑफ सेशन. Unless the magistrate is competent to try the case and is of opinion that he himself can pass an adequate sentence if the accused is convicted. अगर उसको ये महसूस हो कि नहीं भाई मैं competent हूँ, मैं sufficient adequate punishment यहाँ दे सकता हूँ, तब तो उसको वहाँ पे आगे कोई matter को forward करने की या court of session को transfer commit करने की जरूरत नहीं है. अगर लग रहा है कि नहीं competent नहीं है, adequate sentence नहीं दे सकता है, तो matter को क्या करेंगे? Commit करेंगे या फिर हम trial के लिए CJM के पास भेज देंगे. Clear है? Okay? चलिए. So, आगे चलेंगे जहां हमें पढ़ना है 325 को हमें किसके साथ पढ़ना है? 322 के साथ पढ़ना, और कंफ्यूज नहीं होना है. क्यों नहीं होना है 322 के साथ स्टूडेंट्स? हमें इसलिए पढ़ना है क्योंकि जहां हम 322 में ये बोल रहे थे कि मैजिस्ट्रेट इज ऑफ ओपिनियन दैट ही कैन नॉट डिस्पोज ऑफ द मैटर, 325 में ही फील्स दैट ही कैन नॉट पास सफिशिएंट सेंटेंस. कि भाई मेरे पास इतनी पावर नहीं है कि मैं सफिशिएंट सेंटेंस पास कर सकता हूं. और मैजिस्ट्रेट के हमारे सेंटेंस पावर्स, या कह सकते हैं कि पावर टू गिव सेंटेंसेस कहाँ पर है? सेक्शन नंबर 29 ऑफ सीआरपीसी. 29 में पढ़ते हैं ना, सीजेएम, जेएमएफसी, जुडिशियल में से सेकंड क्लास, इनके पावर्स क्या है, कितना पनिशमेंट दे सकते हैं. उसमें मेंशन पनिशमेंट से ज्यादा का पनिशमेंट देना है. एंड दे फील दैट दे कैन नॉट पास द सफिशियंट सेंटेंस. जो पनिशमेंट देनी है वो कम है शायद, लेकिन इस पर्सन को तो और ज्यादा पनिशमेंट देने की आवश्यकता है, पर हमारी पावर कम है. Then in that case, they are going to forward the accused to CJM. किसके पास forward करेंगे? उस person को CJM के पास forward कर देंगे. एक बार 325 पढ़ेंगे. 325 subsection 1. It says, whenever a magistrate is of opinion, कब? After hearing. अच्छे से देखना. After hearing the evidence for prosecution and the accused. So यहाँ पे prosecution and accused witnesses को hear करने के बाद. That is prosecution and accused witness को अच्छे से सुनने के बाद and examination करने के बाद. Okay, after hearing the evidence for prosecution and accused, okay, that the accused is guilty, भाई accused guilty है, and that he ought to receive a punishment different in kind from, जो magistrate को empower कर रखा है punishment से, उससे different form of punishment के लिए accused entitled है, और more severe, उससे भी ज्यादा punishment देने की जरूरत है. Then that which such magistrate is empowered to inflict, or being a magistrate of second class, कि भाई second class का magistrate, second class के magistrate को कितना ही power होता है, we have studied under 29, क्या है? Is of opinion that the accused ought to
be required to execute a bond under 106. Section 106 में कुछ offences के लिए जब person को convict करते हैं, तो अगर judicial message second class को लग रहा है कि वहाँ पर bond for keeping peace and good behaviour को execute करने की ज़रूरत है, तो यहाँ पर क्या होगा? He may record the opinion and submit his proceeding and forward the accused to the CJM to whom he is subordinate. जिसके subordinate में आप हो, मतलब जो आपके superior CJM है, आप उनको accused को forward कर देंगे and आगे reports या कह सकते हैं कि प्रोसीडिंग को आपको सबमिट करनी पड़ेगी सीजेएम को. सबसेक्शन 2, व्हेन मोर अक्यूज्ड देन वन आर बीइंग ट्राइड टुगेदर. जो पूरा मान लीजिए वहां पे बहुत सारे अक्यूज थे, को अक्यूज भी हैं, एक से ज्यादा अक्यूज है, तो क्या सबको भेजने की जरूरत है या सब एक पर्सन को भेजेंगे? इंटरव्यू में क्वेश्चन आ सकता है. एंड द मजिस्ट्रेट कंसिडर इट नेसेसरी टू प्रोसीड अंडर सबसेक्शन 1. उनको लग रहा है कि सबसेक्शन 1 में सीजेएम को हमें मैटर भेजने की जरूरत है क्योंकि यहां ज्यादा पनिशमेंट देने की जरूरत है. इन रिगार्ड टू एनी ऑफ सच अक्यूज ही शैल फॉरवर्ड All the accused, सारे accused को भेजेंगे, who are in his opinion guilty to the CJM. CJM के पास हम सारे accused को एक साथ भेज देंगे, ऐसा नहीं है सिर्फ एक या दो accused को भेजेंगे. Subsection 3, the CJM to whom the proceedings are submitted. In CJM की बात कर रहे हैं, I'll highlight it, okay? किसकी बात कर रहे हैं हम? In CJM की बात कर रहे हैं. ये क्या है? एक ऐसा opinion hold कर रहे हैं. क्या opinion hold कर रहे हैं? If he thinks fit, examine the parties and recall and examine any witness who has already given evidence in the case and may call for and take any further evidence and shall pass such judgment, sentence or order in the case as he thinks fit or as is according to the law. तो यहाँ पे CJM को हमने पावर दे दी कि पार्टी इसको क्या कर सकते हैं, वापस एग्जामिन कर सकते हैं, रिकॉल कर सकते हैं, एग्जामिन कर सकते हैं विटनेसेस को. क्लियर है? तो ऑब्वियस ही बात है, जब हमने CJM को ये पावर दे दिया कि भाई आप डिसाइड कीजिए, तो वो वहां पे यहाँ पे क्या कर सकते हैं, वापस से हमारे पार्टीज को बुला सकते हैं, विटनेसेस को रिकॉल कर सकते हैं, एग्जामिन कर सकते हैं. ओके, मूविंग ऑन टू 326 बहुत ही प्यारा सेक्शन है. ठीक है, 326 को हम कौन से सेक्शन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देंगे. हालांकि मैं आपको बता दूं कि हमने, आपको याद होगा जब हमने पावर्स ऑफ कोर्ट्स डिस्कस किया था, तब हमने ये सेक्शन डिस्कस किया था. याद आ रहा है सारे स्टूडेंट्स को? सेक्शन नंबर 35, जहां हमने सक्सेसर की बात की थी कि अगर डाउट है कि भैया कौन सक्सीड कर रहा है. सेक्शन नंबर 35 की हेडिंग देख लो एक बार, सिर्फ हेडिंग देख लोगे आपको याद आ जाएगा. वहां पे मैंने आपको चार्ट बना के बताया था कि भाई डाउट कौन सॉल्व करेगा उनका. सेक्शन नंबर 35 कहता है पावर ऑफ जजेस एंड मजिस्ट्रेट एक्सरसाइजेबल बाय द सक्सेसर इन ऑफिस, देन हु इज गोइंग टू डिसाइड. तो हमने बोला भैया सेशन जज डिटरमाइन करेंगे या फिर दूसरे केस में कौन डिटरमाइन करने वाले हैं, इट शैल बी डिसाइडेड बाय द मजिस्ट्रेट. क्लियर है? ओके, तो वैसे के वैसे 326 में बोला जा रहा है कि मैम एक कोई पर्टिकुलर प्रोसीडिंग थी जो कि जिसमें कि कन्विक्शन हुआ और वो पार्टली एक जज या मजिस्ट्रेट ने सुनी और पार्टली दूसरे जज या मजिस्ट्रेट ने सुन ली. फॉर एग्जाम्पल, एक मजिस्ट्रेट साहब थे जिन्होंने आधी ही प्रोसीडिंग को सुना, वहां पे कोई ऑर्डर वगैरह भी पारित कर दिया और इससे पहले कि वो जजमेंट सुनाते उनका रिटायरमेंट हो गया, हो गए 60 के. अब बची हुई जितनी भी प्रोसीडिंग थी दैट वॉज कंडक्टेड बाय अनदर जज और अनदर मजिस्ट्रेट. तो क्या जो दूसरे मजिस्ट्रेट आए हैं, दैट इज सक्सेसर जो आए हैं, उनके जो गद्दी पे अगले मजिस्ट्रेट आए हैं, क्या उनको वापस से पूरा मैटर सुनने की जरूरत है या उनके पास पावर है कि वो वापस से पार्टीज को यहाँ या विटनेसेस को यहाँ पे रीसमन कर सकते हैं? क्या वो वापस से फ्रेश प्रोसीडिंग को स्टार्ट करेंगे? थोड़ा लॉजिक भी लगाएंगे अगर सुनो, मतलब हम बात पे, क्योंकि देखो वहां पे हमारे जो जजेस है वो चेंज होते रहते हैं. वी नो कि मैटर ट्रांसफर होता रहता है, मैटर ट्रांसफर तो चलो हमारे सीआरपीसी के अंदर होते ही होते हैं, जजेस ट्रांसफर होते रहते हैं, उनका ट्रांसफर होता रहता है. तो ट्रांसफर की वजह से क्या मैटर वापस से फ्रेश होता रहेगा? आंसर इज नो. हर 1.5-2-3 साल बाद जजेस बदलते रहते हैं यहाँ पे, है ना, उनकी पोस्ट बदलती रहती है, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट उनको भेजा जा सकता है. देन इन दैट केस कोई यहाँ पर वापस से हमें फ्रेश प्रोसीडिंग स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है. अगर एक मजिस्ट्रेट ने आधा प्रोसीडिंग की सुनवाई की और आधा हमारे दूसरे जज या मजिस्ट्रेट ने की है, देन इन दैट केस जो हमारे सक्सेसर जज है, है ना, सक्सेसर इन चीफ है या जो अगले जज है, ही मे एक्ट ऑन द एविडेंसेज विच वर टेकन बाय हिज प्रीसेसर. प्रोसेसर मतलब जो आपके पहले वाले जो जज थे उनके द्वारा. ओके, अनदर पॉइंट इज दैट फर्दर एग्जामिनेशन किया जा सकता है अगर हमारे सक्सेसर जज को लगे कि भाई यहाँ पे फर्दर एग्जामिनेशन की जरूरत है, तो कर सकते हैं. एंड ही कैन रीसमन द पार्टीज ऑल्सो. अगर हमारे फॉर्मर जज के ज्यूरिसडिक्शन की बात करें, है ना, फॉर्मर जज का एक पर्टिकुलर ज्यूरिसडिक्शन था उस मैटर को डिसाइड करने का, अब उनको मान लीजिए कहीं ट्रांसफर कर दिया गया है,
या मान लीजिए अब वो यहाँ पे है नहीं बिकॉज उनका रिटायरमेंट हो चुका है, तो यहाँ पे 326 ने साफ साफ बोला है कि उस मैटर में उनका ज्यूरिसडिक्शन सीज हो जाता है अगर मैटर एक मजिस्ट्रेट से दूसरे मजिस्ट्रेट के पास ट्रांसफर हो गया, या फिर हमारे जो मजिस्ट्रेट थे वो बदल गए क्योंकि दूसरे मजिस्ट्रेट आ चुके हैं वहां पे, या फिर फॉर दैट मैटर मैटर को क्या कर दिया गया, आगे ट्रांसफर कर दिया गया या किसी और मजिस्ट्रेट के पास ट्रांसफर कर दिया गया, तो जिस मजिस्ट्रेट के पास पहले मैटर था उनका ज्यूरिसडिक्शन वहां सीज हो जाता है, खत्म हो जाता है। दिस इज योर 326। तो आइए एक बार हम सेक्शन नंबर 326 की रीडिंग लगाएंगे। हेडिंग कहता है कन्विक्शन और कमिटमेंट ऑन एविडेंस पार्टली रिकॉर्डेड बाय वन जज और मजिस्ट्रेट and partly by another. So subsection 1 says, whenever any judge or magistrate, after having heard and recorded the whole or any part of the evidence in inquiry and trial, inquiry and trial में उन्होंने या तो सारे ही evidences क्या कर लिए हैं, hear कर लिए और record कर लिए हैं, या फिर partly किया है, therein and is succeeded by another, उनकी जगह कोई और आ चुका है अब, succeeded by another judge or magistrate who has and who exercises such jurisdiction. The judge or magistrate so succeeding, मतलब जो नए वाले जज या मजिस्ट्रेट हैं, may act on the evidence so recorded by his predecessor. जो उनके predecessor ने record किए हैं evidences, जो examine किया है, hear किया है, उसके behalf पे वो आगे की सुनवाई क्या कर सकते हैं, continue कर सकते हैं, और partly recorded by his predecessor and partly recorded by himself. अगर चार witnesses को उन्होंने examine कर लिया तो चलेगा, और चार अब वाले माय जो fresh judge magistrate है वो कर सकते हैं। प्रोविजो क्या कहता है अच्छे से सुनो, प्रोवाइडेड दैट इफ द सक्सीडिंग जज और मजिस्ट्रेट इज ऑफ ओपिनियन दैट द फर्दर एग्जामिनेशन इज रिक्वायर्ड, फर्दर एग्जामिनेशन ऑफ द विटनेस हुज एविडेंस हैज ऑलरेडी बीन रिकॉर्डेड इज नेसेसरी, कि वापस से उन विटनेसेस को सुनने की जरूरत है जिनको ऑलरेडी हमने एग्जामिन कर लिया है, इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस ही मे रीसमन एनी सच विटनेस, एंड अब जब विटनेस को हमने रीसमन किया है, अब जब इसका एग्जामिनेशन हो चुका है, दैट इज एंड आफ्टर सच एग्जामिनेशन cross examination and re-examination he may permit the witness shall be discharged. मतलब आप एक बार जब हमने witness का evidences record कर लिया है तो students उसके बाद हमें witnesses को वापस बुलाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमारे successor judge या magistrate को लग रहा है कि हमें witnesses को बुलाने की जरूरत है, वो उसको बुला सकते हैं, उसका examination, cross examination, re-examination हो सकता है, and उसके बाद permit करेंगे witnesses, अब तक लिया जाइए अपने घर, you are discharged. Okay, subsection 2. Where a case is transferred under the provisions of this code from one judge to another judge or from one magistrate to another magistrate. Case क्या हो रहा है? Transfer हो रहा है. किसकी बात कर रहा है? 322 की बात कर रहा है ये. देखो 322 में transfer हो रहा है ना, क्योंकि magistrate को लग रहा है मैं ये matter नहीं dispose of कर सकता. तो अगर ऐसा situation है, then the former shall be deemed to cease to exercise jurisdiction. तो जहां से मैटर ट्रांसफर हुआ अब उसके पास कोई ज्यूरिसडिक्शन नहीं है उस मैटर को एंटरटेन करने का, एंड टू बी सक्सीडेड बाय द लैटर विद इन द मीनिंग ऑफ सबसेक्शन 1. तो हमारा जो लैटर या फिर सक्सेसर जज या मजिस्ट्रेट है वो मैटर को देखेंगे, फॉर्मर का वहां पे ज्यूरिसडिक्शन सीज हो जाएगा. ओके, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो मैंने यहां पे लिख रखा है, कंफ्यूज नहीं होना ना, नॉट अप्लाई टू, नॉट अप्लाई टू मतलब ये इसका पार्ट है, 326 का पार्ट है. सेक्शन नंबर 326 मतलब पार्टली पार्टली के मैटर में जो हमारे सक्सेसर जज या मजिस्ट्रेट है वो आगे सेम एविडेंसेस पे प्रोसीड कर सकते हैं. ये लॉ या ये जनरल रूल कहाँ अप्लाई नहीं होगा? अगर समरी ट्रायल है तो वहां अप्लाई नहीं होगा. अगर हमने क्या कर दिया है, प्रोसीडिंग को स्टे कर दिया है 322 में, तो वहां अप्लाई नहीं होगा. एंड दूसरा क्या बोल दिया है, प्रोसीडिंग सबमिटेड टू सुपीरियर मैजिस्ट्रेट अंडर 325. Proceeding submitted to superior magistrate under section 325. तो कहने का मतलब है वो चाहे तो वापस से सब कुछ बिगिन कर सकते हैं. क्लियर है चीज? ओके, चलिए. सो ये था हमारा प्रोसीजर के पॉइंट ऑफ व्यू से. 322 में क्या बोला, मजिस्ट्रेट के पास ऐसा ओपिनियन है, मजिस्ट्रेट फील्स की वो मैटर को डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकते, ये हुआ 322. 323 में हमने क्या डिस्कस किया कि आफ्टर सॉरी एट द कमेंसमेंट ऑफ इंक्वायरी एंड ट्रायल मजिस्ट्रेट को लग रहा है भाई दिस मैटर हैज टू बी कमिटेड टू कोर्ट ऑफ सेशन, तो वो ऐसा मैटर कमिट कर सकते हैं. 324 में हमने क्या बोला, वापस से प्रीवियस कन्विक्शन हो रहा है, मतलब प्रीवियस कन्विक्शन था और वापस से कन्विक्शन हो रहा है फॉर एनी ऑफेंस अगेंस्ट कॉइनेज, स्टैंप लॉ और प्रॉपर्टी, तो हम किसको मैटर ट्रांसफर कर देंगे, हम वहां अगर ट्राइबल बाय सीजे में तो उनको भेज देंगे, या फिर हम कोर्ट ऑफ सेशन को कमिट कर देंगे मैटर. 325 में हमने क्या पढ़ा कि मजिस्ट्रेट को लग रहा है मैं सफिशिएंट सेंटेंस पास नहीं कर सकता, रीड विद सेक्शन नंबर 29 जहां पे मजिस्ट्रेट की पावर दे रखी है. एंड देन 326 में हम आए जहां हमने बोला पार्टली पार्टली एविडेंस रिकॉर्डिंग हुई है एक सक्सेसर जज या मजिस्ट्रेट द्वारा, एक प्रीडिसेसर जज या मजिस्ट्रेट द्वारा. क्लियर है?
नाउ वी विल कम टू ओपन कोर्ट. उसके बाद हमारा आज लास्ट सेगमेंट बचेगा, दैट इज अदर पर्सन अगर गिल्टी पाया जाता है. तो पहले ही सुनो, कोर्ट जो भी हमारे क्रिमिनल कोर्ट्स होते हैं स्टूडेंट्स, हमारे जो भी क्रिमिनल कोर्ट्स होते हैं वो सेक्शन 327 के अकॉर्डिंग क्या माने जाते हैं? ओपन कोर्ट माने जाते हैं. वर्ड यहाँ रिटन है शैल. क्रिमिनल कोर्ट शैल बी डीम टू बी एन ओपन कोर्ट. ओपन कोर्ट का मतलब क्या होता है कि पब्लिक को एक्सेस मिलती है, आप और मैं जाके आराम से वहां पे कोर्ट की प्रोसीडिंग के दौरान बैठ सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन अगर जज या मैजिस्ट्रेट को लगे फॉर द रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग, अगर उनको लगे कि हमें आम जनता को इस प्रोसीडिंग का एक्सेस रिमूव करना है, तो ऐसा जज या मैजिस्ट्रेट ऑर्डर पास कर सकते हैं जहां बोले कि भाई पब्लिक आप अलाउड नहीं हो, आप इस मैटर को नहीं देख सकते, है ना. ये सुनवाई जो है हम पर्सनली करेंगे या इन कैमरा करेंगे. एंड सबसेक्शन 2 सेज अगर रेप से रिलेटेड इंक्वायरी या ट्रायल है वो हमेशा इन कैमरा होगी. वर्ड देखो शैल लिखा है. क्या वर्ड लिखा है? शैल वर्ड लिखा है. मतलब ये मैंडेटरी है मैजिस्ट्रेट के ऊपर, जज के ऊपर, कि रेप की जो ट्रायल है इंक्वायरी वो हमेशा इन कैमरा होगी, आम जनता को एक्सेस नहीं मिलेगा. एंड जहां तक हो सके प्रैक्टिकली आपको ये कोशिश करना है कि वहां पे विमेन जज या मैजिस्ट्रेट हो. फिर भी अगर जज या मैजिस्ट्रेट को लगता है कि कोई पर्टिकुलर पर्सन को उस हमारी बिल्डिंग में जहां पर ऐसी प्रोसीडिंग या इंक्वायरी हो रही है उसका वहां प्रेजेंस चाहे, तो वो अलाउ कर सकते हैं. कई बार ऐसा होता है रेप विक्टिम का थोड़ा साइकोलॉजी या कह सकते हो मेंटली वो स्टेबल ना रहे, तो ऐसी सिचुएशन में कोई उसका फैमिली मेंबर है तो हम उसको अलाउ कर सकते हैं. क्लियर. सबसेक्शन 3 ये बोलता है नो पब्लिशिंग और प्रिंटिंग ऑफ एनी प्रोसीडिंग. कोई भी पब्लिशिंग या प्रिंटिंग हम नहीं करेंगे किसी भी प्रोसीडिंग का एक्सेप्ट विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट. सेम हमें पॉक्सो में भी दे रखा है, सेम चीजें हमें पॉक्सो में दे रखी है, जहां हम कहते हैं कि प्रोसीडिंग को आप पब्लिश या प्रिंट नहीं करेंगे कि प्रोसीडिंग में क्या क्या बताया गया, जब तक आप कोर्ट की परमिशन ना ले लें. और कोर्ट चाहे तो जिन्होंने बैन लगाया है कि भाई आप ऐसा मैटर पब्लिश नहीं करेंगे, इस बैन को लिफ्ट कर सकती है. इस बैन को लिफ्ट कर सकती है. वर्ड क्या है? मे है. मतलब ये जज और मैजिस्ट्रेट का डिस्क्रिशन है, वो चाहे तो मीडिया को अलाउ कर सकते हैं ऐसा मैटर पब्लिश या प्रिंट करने के लिए, लेकिन सब्जेक्ट टू द पॉइंट कि आप यहां पर उस पार्टीज का नेम एंड एड्रेस को कॉन्फिडेंशियल रखेंगे. मतलब पार्टीज का अगर आप नाम और एड्रेस छुपा कर कोई मैटर को पब्लिश करना चाहते हैं, प्रिंट करना चाहते हैं, तो इट इज द डिस्क्रिशन ऑफ द जज एंड मैजिस्ट्रेट कि वो आपको अलाउ कर सकते हैं. क्लियर. अब कई बार क्या होता है स्टूडेंट्स, ऑफेंस कमिट हुआ. क्या हुआ? ऑफेंस कमिट हुआ एंड FIR में हमने मान लीजिए एक ही पर्सन का नाम लिखवाया, लेकिन एट द स्टेज ऑफ इंक्वायरी या ट्रायल मैजिस्ट्रेट और जज साहब को पता चला कि इस ऑफेंस में एक और पर्सन मिला हुआ था. इंक्वायरी या ट्रायल के स्टेज पे पता चला कि इसमें सिर्फ एक पर्सन इंक्लूडेड नहीं है, इसमें तो एक और आरोपी है, इसको भी खींच के लेके आना है हमको इस केस के अंदर, तो क्या हम उसको लेटर स्टेज पे ऐड कर सकते हैं क्या? आंसर इज यस, वी कैन ऐड हिम एट द लेटर स्टेज. जैसे हम लोग CPC में लेटर स्टेज पे प्लेंटिव्स एंड डिफेंडेंट्स ऐड होते हैं ना, अगर सफिशिएंट कॉजेस दिखाया जाए अमेंडमेंट के थ्रू, वैसे के वैसे क्रिमिनल लॉ में भी आपके एक पर्सन को, दैट इज टू से अक्यूज्ड पर्सन के अगेंस्ट प्रोसीडिंग स्टार्ट हो सकती है अगर लेटर स्टेज, दैट इज एट द स्टेज ऑफ इंक्वायरी या ट्रायल, पता चले कि इस पर्सन ने भी ऑफेंस में प्रॉपर कह सकते हैं कि इंडल्जेंस दिखाई है. तो सबसेक्शन 1 ये कहता है कि प्रोसीड 319 में स्टूडेंट्स मैजिस्ट्रेट और जजेस को पावर दे रखा है. क्या आप दे रखा है? 319 में मैजिस्ट्रेट को पावर दे रखा है कि वो ऐसे अदर पर्सन के अगेंस्ट प्रोसीड कर सकते हैं जो अपियर करे उनको कि भाई ये गिल्टी है, अपियर्स टू बी गिल्टी कि ये भी शायद इस ऑफेंस में इंक्लूडेड है, देन सबसेक्शन 1 में मैजिस्ट्रेट मे प्रोसीड अगेंस्ट सच पर्सन. और अगर वो पर्सन कोर्ट अटेंड नहीं कर रहा है, मतलब हमें जरूरत है उस पर्सन की अटेंडेंस के लिए, तो हम क्या करेंगे? चैप्टर नंबर 6, हम उस पर्सन को या तो अरेस्ट करेंगे या समन करेंगे. और जब भी वो पर्सन हाजिर हुआ है कोर्ट में, तो वहां पे मैजिस्ट्रेट ऐसा ऑर्डर पारित कर सकते हैं जहां पर हम उस पर्सन को डिटेन करके रखें एक कस्टडी में. तो बुला लिया, बुलाने के बाद लग रहा है इसको कस्टडी में रखने की जरूरत, तो हमने उसको कस्टडी में रख दिया. अब जब भी कोर्ट प्रोसीडिंग स्टार्ट कर रहा है इस पर्सन के अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट? इस पर्सन के अगेंस्ट प्रोसीडिंग स्टार्ट कर रहा है, तो आपके दिमाग में सवाल आएगा कि मैम क्या प्रोसीडिंग वापस से स्टार्ट करनी है? क्या प्रोसीडिंग वापस से स्टार्ट होगी या फिर वहीं से स्टार्ट करेंगे जहां से हमारी जो प्रोसीडिंग है वो रुकी हुई थी? दो सिचुएशन होगी यहां पे, ए एंड बी. एक तो ड्यूटी है मजिस्ट्रेट के ऊपर दैट जब भी मजिस्ट्रेट प्रोसीड कर रहे हैं ऐसे पर्सन के अगेंस्ट, देन मजिस्ट्रेट शैल प्रोसीड विद कमेंसिंग अ फ्रेश
दैट इज टू से प्रोसीडिंग कमेंस होती है वापस से, फ्रेश प्रोसीडिंग यहाँ स्टार्ट होती है एंड विटनेसेस को हम रीहियर करेंगे, वापस से विटनेसेस को, विटनेसेस की सुनवाई करेंगे. तो वहां पे अब क्लॉज बी क्या कहता है, सब्जेक्ट टू क्लॉज ए मैजिस्ट्रेट मे प्रोसीड एज इफ द पर्सन हैज बीन अक्यूज्ड पर्सन व्हेन द कोर्ट टुक कॉग्निजेंस. ये मैजिस्ट्रेट का डिस्क्रिशन है, अगर मैजिस्ट्रेट चाहे तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, उस अक्यूज पर्सन के अगेंस्ट इस तरीके से प्रोसीड कर सकते हैं एज इफ वो पर्सन तब एडेड था उस प्रोसीडिंग में जब उन्होंने कॉग्निजेंस लिया. तो एक बार सेक्शन नंबर 319 को अच्छे से पढ़ेंगे. ओके, 319 इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहता है स्टूडेंट्स, पूछा जा सकता है इंटरव्यू में क्या फ्रेश प्रोसीडिंग स्टार्ट होगी क्या. चलो 319, पावर टू प्रोसीड अगेंस्ट अदर पर्सन्स अपीयरिंग टू बी गिल्टी ऑफ ऑफेंस. Subsection 1, where in course of inquiry of any inquiry into or trial of an offence, it appears from the evidence that any person not being the accused, who accused hai nahi abhi, has committed any offence for which such person could be tried together with the accused. Jo already hamara ye accused hai, iske saath isko try kar sakte the kyunki aisa lag raha hai ki isne bhi offence commit kiya hai. Court may proceed against such person for the offence which appears to have been committed. जो उनको लग रहा है कि offence commit हुआ है, उस मामले में हम उस person को लेके आ सकते हैं उस matter में. Subsection 2, where such person is not attending the court, बुलाया आ नहीं रहा, he may be arrested or summoned. उसको हम arrest कर सकते हैं, summon भेज सकते हैं, as the circumstances of the case may require. Subsection 3, the person attending the court, although not under arrest or upon a summon, may be detained by such court. Court क्या कर सकता है, उस person को detain कर सकता है, किस purpose के लिए, inquiry और trial के लिए. Subsection 4 अच्छे से पढ़ना, where the court proceeds against any person under subsection 1. तो इस subsection के under जिस person के against हम proceed कर रहे हैं, clause A कहता है, the proceeding in respect of such person shall be commenced afresh. एकदम new proceeding यहाँ start होगी and the witnesses rehear. विटनेसेस क्या होंगे, यहाँ पे रीहियर किए जाएंगे और प्रोसीडिंग हमारी फ्रेश स्टार्ट होगी, वापस से जीरो से स्टार्ट होगी. पॉइंट नंबर बी, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ क्लॉज ए, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ क्लॉज ए, इस चीज के रहते हुए, द केस मे प्रोसीड एज इफ सच पर्सन हैज बीन एन अक्यूज्ड पर्सन व्हेन द कोर्ट टुक कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस अपॉन व्हिच द इंक्वायरी और ट्रायल वॉज कमेंस्ड. क्लियर है चीज. चलिए तो ये था हमारा सेक्शन नंबर 319. सो आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से समझ आई होगी. एक बार मैं आपको वापस से रिवाइज करवा देती हूँ. हमने आज का सेगमेंट स्टार्ट किया था स्टूडेंट्स 321 से, जिसको हमने पढ़ा किसके साथ, प्रोसिक्यूशन के साथ. प्रोसिक्यूशन मतलब कौन कौन सा सेक्शन, हमने याद है 301, 302 एंड 305 पढ़ा था. तो कल का जो हमारा चार्ट था उसमें हमें क्या ऐड करना है, ये पॉइंट 321 का ऐड करना है. फिर हमने 316 पढ़ा, किसके साथ पढ़ा, टेंडर ऑफ पार्डन के साथ पढ़ा, दैट इज 306, 307 एंड 308 के साथ पढ़ा. बराबर, हमने 327 में क्या पढ़ा, ओपन कोर्ट होना चाहिए. हमने 319 में क्या पढ़ा, पावर पढ़ा किसका, मैजिस्ट्रेट का, जिनको लगता है लेटेस्ट स्टेज पे कि भाई इंक्वायरी ट्रायल के स्टेज पे लग रहा है कोई ऐसा पर्सन है जिसको हमें साथ में ट्राई करना चाहिए. क्लियर ये पॉइंट. उसके बाद हमने आज प्रोसीजर से रिलेटेड पांच सेक्शंस पढ़े थे. कौन कौन से पढ़े थे, 322, मैजिस्ट्रेट को लग रहा है कि वो मैटर डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकते. 323 में क्या पढ़ा, 323 में हमने कमिटमेंट के बारे में पढ़ा, दैट इज केस को हम जब कमिट कर रहे हैं, कमेंसमेंट ऑफ इंक्वायरी और ट्रायल पे पता चल रहा है भाई इस मैटर को तो हमें कमिट करना है. 324 पढ़ा, 325 पढ़ा. 324 में हमने क्या पढ़ा, जहां हमको लग रहा है कि ये जो पर्सन है ये प्रीवियसली कन्विक्टेड था ऐसे ऑफेंस से रिलेटेड जो कॉइनेज है या आपकी स्टैम्प लॉ है या प्रॉपर्टी से रिलेटेड है. फिर हमने पढ़ा 325 में क्या पढ़ा, जब मैजिस्ट्रेट को लग रहा है कि वो सफिशियंट सेंटेंस पास नहीं कर सकते, जिसको हमने किसके साथ पढ़ना चाहिए था, सेक्शन नंबर 29 के साथ पढ़ना है. फिर हमने पढ़ा 326 किसकी बात करता है, पार्टली एविडेंस रिकॉर्डिंग की बात करता है, सक्सेसर ने आधा किया आधा प्रीडेसेसर ने किया है, और इसको किसके साथ पढ़ना है, 35 के साथ पढ़ना है, सेक्शन नंबर 35, जो ये डिसाइड करता है कि अगर हमें कंफ्यूजन है कि सक्सेसर कौन होना चाहिए मैजिस्ट्रेट का या सेशन जज के मामले में, तो वह डिसाइड कौन करेगा. क्लियर है.
ये चीजें आज हमने पढ़ी थी। अच्छा, हमने एक और पॉइंट पढ़ा था, किसका? अक्यूज के बारे में पढ़ा। अक्यूज के बारे में हमने क्या पढ़ा? अक्यूज के बारे में हमने पढ़ा 315 में अक्यूज एक कॉम्पिटेंट विटनेस होता है। फिर हमने पढ़ा 317 में अगर अक्यूज कुछ सर्टन सिचुएशंस में एबसेंट है, तो मतलब कहने का मतलब यह कि मजिस्ट्रेट चाहे तो उसकी अटेंडेंस डिस्पेंस कर सकता है कि भाई आपके प्लीडर साहब है ना, आप कंटिन्यूसली आके प्रोसीडिंग में डिस्टर्बेंस कर रहे हो, तो उस मैटर में हम अक्यूज की पर्सनल अटेंडेंस को डिस्पेंस कर सकते हैं। 318 में हमने क्या पढ़ा? 318 में पढ़ा अगर उसको प्रोसीडिंग समझ नहीं आ रही है कि एग्जैक्टली प्रोसीडिंग में क्या चल रहा है। क्लियर है चीज? सो आई होप जो आज हमने 315 की जो अपनी जर्नी स्टार्ट की थी वो आपको अच्छे से समझ आई होगी। और आज यहाँ पे हमने चैप्टर नंबर 24 ऑफ सीआरपीसी को फिनिश कर लिया है। एंड आई रियली होप कि आपके जो आपके कहने का मतलब है कि यस, स्लाइड्स गुम हो गई थी, ओके। सो आपके नोट्स अच्छे से बन रहे होंगे, आप रेगुलर बेसिस से पढ़ रहे होंगे, और जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, जिस तरीके से पढ़ा रही हूँ, आई होप आपको वो पढ़ने में मजा आ रहा होगा। सीआरपीसी थोड़ा बहुत कहीं कहीं ईजी लग रहा होगा, समझ आ रहा होगा क्या चीजें हैं, क्यों है, और पहली बार समझ आ रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो अब आपको वर्क करना है किस चीज पे? रिविजन पे, कि किस तरीके से आप चीजों को ज्यादा से ज्यादा मेमोराइज कर सके। ओके, सो यस, दैट वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड इन टूडेज सेशन। आई होप यू ऑल हैव एंजॉयड दिस सेशन। नाउ वी विल मीट इन अनदर न्यू सेशन। टिल देन, थैंक यू. Thank you so much.